नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, कंसीव करने के लिए, आपको गर्भ धारण करने के लिए आपके बच्चेदाने का मुंह खुलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपने आप प्राकृतिक रूप से शरीर का कुछ ऐसा स्वभाव है कि जब आपके फर्टाइल डे स्टार्ट होते हैं तब वैसे ही आपके शरीर में जो सबसे जरूरी अंग होता है आपका सर्विक्स, जहां पे गर्भ धारण की प्रक्रिया होती है, जहां से स्पर्म एक के पास तक जा पाते हैं, वो अपने आप खुल जाते हैं। बेसिकली जो बच्चेदानी का मुंह होता है बाकी के सभी दिनों में बंद होता है ताकि आपके गर्भाशय के अंदर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया ना जा पाए और किसी भी प्रकार का आपके गर्भाशय को नुकसान ना पहुंच पाए, इसलिए आपके सर्विक्स का मुंह क्लोज्ड होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही आपका फर्टाइल डे पीरियड स्टार्ट होता है, आप जैसे ही कंसीव करने के लिए आपके शरीर को रेडी कर लेते हैं, वैसे ही आपके सर्विक्स का जो पोर होता है वो हल्का सा ओपन हो जाता है। तो इसी को हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ऐसे खास कौन से 3 संकेत होते हैं जिससे बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि अभी अंडा निकलने वाला है, बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, या फिर बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है, या फिर बच्चेदानी का मुंह हमारा बंद हो गया है। क्योंकि सारी चीजें आपके बच्चेदानी के मुंह पे ही डिपेंड करती है और यहीं से अगर स्पर्म्स एंटर होते हैं तभी वो एक के पास जाते हैं, वरना नहीं जाते हैं। भले ही आप कितने भी ट्राई कर लो, आप कोई भी होम रेमेडी अपना लो, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपके फर्टाइल पीरियड कब से स्टार्ट होने हैं या फिर सर्विक्स का पोर कब ओपन हो रहा है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे खास लक्षण बताने वाली हूँ। इनमें से अगर 1 या 2 भी लक्षण आपको महसूस होने लगे तो आप समझ जाइए कि ये वही दौर है जब आपको ट्राई करना है और इसमें पक्का गारंटेड आपको गर्भधारण होने की बहुत अधिक संभावना होती है। इसलिए विदाउट स्किप किए हुए इस वीडियो को थ्रू आउट पूरा देखिएगा, क्योंकि एक भी अगर आपकी नॉलेज लेक हो गई, अगर स्किप हो गई, तो आप कुछ भी ढंग से समझ नहीं पाएंगे, फिर आपका ये महीना भी वेस्टेज हो जाएगा और आपको कंसीव नहीं हो पाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, ये 3 बातों को आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुने, समझें और सीखने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो महिला का ओवरऑल पीरियड साइकिल होता है, इसका मध्य भाग फर्टाइल विंडो या फर्टाइल पीरियड कहलाता है, जिसमें आपकी फर्टिलिटी बहुत हाई होती है। इवेंचुअली 99.9% आपकी फर्टाइल पीरियड के दौरान फर्टिलिटी बूस्ट होती है, जिसमें कंसीवमेंट हो जाता है महिलाओं को। ये मध्य भाग आपके पीरियड साइकिल के बिल्कुल मिड पार्ट में आता है, यानी बीच के दिनों में ही आते हैं। अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 डेज की है, अगर हम एक ऑन एन एवरेज एक हेल्दी पीरियड साइकिल की बात करें, तो 30 डेज के पीरियड साइकिल को या 32 डेज के पीरियड साइकिल को मैक्स टू मैक्स हेल्दी पीरियड साइकिल में काउंट किया जाता है। और इसी दौरान जो आपका मध्य भाग होता है पीरियड का, लगभग 15, 16, 17 और 18 दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन लक्षण जो है आपको 12वें 13वें दिन से ही महसूस होने लगेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, जब आपकी day 1 पीरियड आती है उसी दिन से आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर को नोट करना है। ये बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मली आपके शरीर का एक तापमान होता है जो कि 97 फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग होता है। अगर इस फ़ारेनहाइट में आपके जो भी एट प्रेजेंट डिग्री है आपके शरीर की बॉडी की तापमान की, उसके अकॉर्डिंग आप पर डे अपना मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट करने से पहले, जब आप बेड टाइम खत्म करते हैं और स्लीपिंग टाइम से उठते हैं, उसी समय आपको एक थर्मामीटर लेना है और उससे आपके बॉडी के टेम्परेचर को नोट डाउन करके एक नोटबुक में तैयार करना है। इस चार्ट में आपको डेली सेम टू सेम यही प्रक्रिया दोहरानी है, मॉर्निंग में उठना है और अपना बॉडी का टेम्परेचर में नोट डाउन करना है। अब इससे होगा क्या कि जब आपके फर्टाइल पीरियड के आप पास आ जाओगे, आपका एग जैसे ही रप्चर होने वाला होगा, बाहर आएगा और आपके सर्विक्स का माउथ ओपन होने वाला होगा, इस दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन काफी पीक बैलेंस्ड पे होते हैं,
जिसकी वजह से हार्मोन्स की वजह से आपके शरीर का तापमान लगभग 1 to 2 degree फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है। तो जब आप 13वें या 14वें दिन से नोटिस करेंगे कि 1 या 2 degree फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो गई है आपके बॉडी की बेसल डिग्री टेम्परेचर, तब आप समझ सकते हैं कि अब आपका फर्टाइल विंडो स्टार्ट हो गया है, यानी अब सर्विक्स जो है वो ओपन होने लगा है, सॉफ्ट होने लगा है, ताकि स्पर्म्स अंदर एंटर कर सके। इसके अलावा जो टिप नंबर 2 है फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होती है, वैसे ही आप 14वें दिन से फील कर सकते हैं कि आपके सर्विक्स डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया है। ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स बिल्कुल ही रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, बिल्कुल पानी के जैसा होता है, ट्रांसपेरेंसी इसमें काफ़ी अधिक होती है, लेकिन ये स्टिकी और चिपचिपा होता है और ये आपके तापमान में वृद्धि होने के बाद ही होता है, क्योंकि बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो एक रप्चर होता है, इसके साथ ही कुछ लिक्विडी फॉर्म में डिस्चार्ज आपके वजाइना से बाहर आता है, ताकि जब आप इंटरकोर्स करें तब जो भी स्पर्म्स हैं वो इसी में स्विम करके और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि ये इतने लचीलेपन को उत्पन्न करते हैं आपके सर्विक्स में जो डिस्चार्ज होता है, वो इजीली आपके स्पर्म्स को ऊपर की ओर ले जा सके एग के पास। इसलिए ये प्राकृतिक रूप से आपके शरीर का स्वभाव जो है वो बदल जाता है जब आपका बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है। इसलिए इस डिस्चार्ज को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से महसूस करने को कहा जाता है हर फीमेल्स को, अगर उनको प्राकृतिक रूप से नेचुरल कंसीवमेंट का प्रोसीजर करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो थर्ड टिप है वो ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपके सर्विक्स की पोजिशन क्या है। सर्विक्स की पोजिशन रिएक्ट करती है जब आपका फर्टाइल पीरियड स्टार्ट होता है, यानी पोजीशन क्या होता है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा नमी और सॉफ्टनेस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस कि हार्मोन्स भी बहुत ज्यादा पिक होते हैं, साथ ही साथ आपके वजाइना से डिस्चार्ज भी हो रहा है, इस वजह से सर्विक्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स इसमें एक लचीलापन होता है और आपका सर्विक्स का पोर जो है वो फुल्ली ओपन हो जाता है, तो इसको आप फिंगर इंसर्ट करके आइडेंटिफाई कर सकती हैं। फिंगर प्रोसेसेस कैसे करना है, फिंगर टेस्ट कैसे करना है, इस पे वीडियो सेपरेट में बना चुकी हूँ, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, उसको भी चेकआउट करिएगा। साथ ही साथ अगर ऐसी कोई भी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं जो कि बहुत जल्दी आपको इमिडिएट रूप से कंसीव करा दे, बहुत सारी महिलाओं ने सक्सेसफुली कंसीवमेंट किया है, तो वो सारे वीडियोज मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी, उनको भी फटाफट से जाइए देखिए और ये सारे उपाय अपने ऊपर जरूर करिए जो कि 100% प्राकृतिक और नेचुरली आपको कंसीव कराने में सफलता दिला। सो फ्रेंड्स अगर आपने ये तीनों चीज बारीकी से समझ लिया तो आपको कंसीव होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इवेंचुअली अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम है आपकी यूट्रस के अंदर तो पर्टिकुलर उसकी ट्रीटमेंट या फिर नेचुरल होम रेमेडीज भी अवेलेबल है मेरे वीडियोस के थ्रू, तो आप उस कॉन्सेप्ट पे भी कंसीव कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, या फिर पूजा घरसंसार इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करिए, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं पूजा घर संसार के फेसबुक पेज पे। सो इसी होप के साथ इस वीडियो से लेती हूँ मैं यहीं पे विदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी है, तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच पाए और उनको भी इस वीडियो से लाभ हो पाए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, ताकि इसी के थ्रू आपको ये जानकारी मिलेगी कि मेरे वीडियोज़ डेली आ रहे हैं और सबसे पहले आप उसको वॉच कर पाए। सो फ्रेंड्स अपना पूरा ध्यान रखिए, टेक केयर गाइज, बी पॉजिटिव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।